नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो कि बिल्कुल मुफ्त है। नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन अक्सर अमेरिका पर न्यूक्लियर हमले की धमकी देता रहता है। इसके अलावा रूस, ईरान और चीन से भी अमेरिका भी तनातनी जग जाहिर है। इसके चलते अक्सर तीसरे वर्ल्ड वॉर होने की संभावना व्यक्त की जाती है जिसमें देश अब न्यूक्लियर बमों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के चलते अमेरिका ने देश के उच्च नेताओं, मिलिट्री ऑफिसर्स की सेफ्टी के लिए देश भर में कई जगह सीक्रेट बंकर्स बना रखे हैं, जो इन्हें न्यूक्लियर वॉर से बचाएंगे। यूएस के कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट गेरेट ग्राफ ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कोलाराडो में स्थित माउंटेन कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था। हालांकि कोलाराडो में स्थित यह बंकर सीक्रेट जगह पर है। इसे 1948 में तैयार किया गया था। पहाड़ के करीब 50 मीटर नीचे यह बंकर एक किमी के एरिया में फैला है जो हाईटेक सुविधाओं से लैस है। बंकर के अंदर न्यूक्लियर मिसाइलों से लेकर मिलिट्री के आधुनिक वेपन्स व अन्य साजो सामान की भी व्यवस्था है। इसमें हाईटेक मेडिकल फैसिलिटी भी है और यहाँ करीब 1400 लोग गए महीनों तक आराम से रह सकते हैं। 1991 में इसे और आधुनिक किया गया। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकन प्रेसिडेंट और उच्च नेताओं, मिलिट्री ऑफिसर्स को ठहराया जा सके। इस बंकर को और आधुनिक व इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने ही करीब 4000 करोड़ रुपए दिए थे। इसके चलते अब इस बंकर में 5000 लोग ठहर सकते हैं। यह बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ जिस भी व्यक्ति को जगह मिलेगी वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को यहाँ नहीं ला सकता। इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए ऐसे ही खास बनकर वर्जीनिया के पीटर्स माउंटेन के नीचे भी बनाए गए हैं। वर्जीनिया में भी बनकर इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि प्रेसिडेंट सहित उच्च नेताओं और मिलिट्री ऑफिसर्स को यहां ठहराया जा सके। हालांकि न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के प्रेसिडेंशियल हाउस व्हाइट हाउस के नीचे भी हाईटेक बंकर बनाए गए हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के नीचे बनकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तत्कालीन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने बनवाया था।